बाबा ने खत्म किया है क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे गोला ने मैंने कांटे चुभ जाते हैं तो हमारे दर्द होता है, इनको दर्द ही नहीं होता है। बाप खतरनाक गर्मी है, खतरनाक गर्मी में ऐसा स्टैंड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। Thank you.
कर सकता है। ये बाबा लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और इनको कुछ भी असर नहीं होता है। ये कर्म नहीं तो क्या है, ये कर्म नहीं तो क्या है, देख सकते हो। ये जिंदा करामत है बाबा की, देख सकते हो भाई, इनको कोई ऐसा नहीं होता। हमारे अगर थोड़ा सा भी दर्द, अगर कांटा भी चुभ जाता तो हमें दर्द हो जाता, पर इनको दर्द नहीं होता है। खतरनाक, ये देख सकते हो तलवार, देख सकते हो गाइस, इतनी लंबी तलवार है, देख सकते हो आंखें में डाल रहे भाई। हर कोई नहीं कर सकता यार, हर किसी के बस की बात नहीं है, देख सकते हो। ये बाबा का कर्म नहीं तो क्या है, बाबा को देखो, पूरी पूरी तलवार, पूरी पूरी चाकू, पूरा पूरा भाला अपने आप में घुस कर लेते हैं। और अभी जूस उसके बांटने की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली जब ये लोग दिल्ली गेट में कंजेरिया में पहुंचते हैं ना, तो ये अपने भाई हैं, ये कोई से भी त्यौहार होता है ना उनका स्वागत करते हैं। तो इनकी मतलब मिसाल देनी पड़ेगी कि यार कोई भी धर्म को, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी जूस निकलता है, भाई स्वागत करते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। अभी बाबा मलंग लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। या चेटी चंद त्यौहार आता है सिंधु का, वो भी स्वागत करते हैं। या पंजाबियों का होता है त्यौहार, या कोई भी जैनी का भी कोई भी त्यौहार होता है, भाई स्वागत करते हैं। गणेश डेयरी नाम इनकी दूध की दुकान है और ये बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, देख सकते हो। बाबा लोगों को बात नहीं, देख सकते हो, स्वागत करते हैं, देख सकते हो। ये बाबा लोगों को
को बांट रहे हैं, देख सकते हो कुल्फियाँ बांट रहे हैं। तो ये हर साल ऐसे ही लोगों को फुल सपोर्ट करते हैं और हर साल क्या बोलते हैं ऐसी खातिरदारी करते हैं। ये अपने गणेश डेयरी है, हर किसी का स्वागत अच्छे से करते हैं भाई है। ये मिसाल देनी पड़ेगी इनकी, बहुत अच्छी मिसाल है। तो ये देख सकते हो बाबा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग ये जो स्टैंड कर लेते हो, ये भाला चाकू अपने मतलब कर लेते हो, शरीर में मार लेते हो, तो क्या आपको दर्द नहीं होता? हमारे यार कांटा चुभ जाता, हमारे को दर्द होता, आप लोगों को नहीं होता? नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, चाचा ने मेरे को पूछा, अच्छा लगा। नहीं नहीं थैंक यू। हाँ भैया हैं राहुल भैया, और अभी ये डालेंगे मतलब फूल स्वागत करेंगे और हर किसी का थैंक यू। तो अभी बाबा लोग आएंगे, इनको स्वागत करेंगे। और ये मैंने बताया कि हर साल स्वागत करते हैं सही, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई सी भी रैली हो, सबका स्वागत, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, सबका स्वागत करते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है यहाँ पे। यहाँ पे अजमेर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, और वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पर भी क्या बोलते हैं, वहाँ पर भी बट रहा है, देख सकते हो वहाँ पर भी पूरा कैंपेन लगाया गया है। वो किसकी तरफ से लगाया गया है तो मैं देखता हूँ, वहाँ पे जूस और बिस्किट बांटने का इंतजाम किया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे बिस्किट है बाबा लोगों के लिए, जो बाबा लोग आ रहे हैं उनके लिए बिस्किट का इंतजाम किया गया और जूस का इंतजाम किया भाई। ये होटल आशियाना की तरफ से, ये किसकी तरफ से? होटल आशियाना इन। अच्छा, ये जो होटल आशियाना है, तो गाइस देख सकते हो ये होटल आशियाना की तरफ से भाई ने क्या बोलते जूस और ये क्या बोलते बिस्किट का इंतजाम किया बाबा लोगों के लिए, शरबत। अच्छा, तो हर साल आप करते हो शायद? तो हर साल कोई भी, देखो कोई भी जुलूस निकलता, चाहे ये जुलूस हो चाहे कोई हिंदू मुस्लिम, कोई सा भी जुलूस निकलता है भाई स्वागत करते हैं। तो ये हमारे अजमेर की मिसाल है, एकता मतलब हिंदू भाईचारा मुस्लिम एकता यहाँ पर है। तो देख सकते हो चाहे कोई भी हो और इनको सबको बांट के स्वागत करते हैं। ये पूरा अपना ही है ना, तो देख सकते हो पूरा आशियाने की तरफ से किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अजमेर शरीफ से ऐसी कोई भावनाओं की चीज़ें और इतना भाईचारा वाला प्यार वाली चीज़ें निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैंने भी ले लिया है और मैं भी पी के देखता हूँ। हालांकि ये बाबा लोगों के लिए था बट मैंने भी ट्राई किया था, कुछ नहीं यार भाई, बाबा का लंगर यार, लंगर समझ के सब चलता है। तो मैं भी पी रहा हूँ और दिखाते हैं और क्या क्या होगा। बाबा लोग आ चुके हैं और अब इन लोगों का स्वागत हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर डेली गेट सोबराज होटल एरिया स्वागत बाबा लोगों का। सारे मलंग लोग पहुँच चुके हैं, पब्लिक में उत्साह, बाबा लोगों में उत्साह होते हुए। ये देख सकते हो फूलों की बारिश हो रही है और काफी उत्साह के साथ। बाबा अपन कहाँ से पैदल चल के आए? आप कहाँ से पैदल चल के आए? आप पैदल किधर से चल के आए? दिल्ली से आए चाचा, देख सकते हो पैदल यहाँ पैदल चल के। और यहाँ पे मीडिया वाले भी पहुँच चुके हैं, देख सकते हो पूरे मीडिया के लोग पहुँच चुके हैं। और अभी सारे राय जी न्यूज़ जो मीडिया होती है वो सारे मीडिया के लोग पहुँच चुके हैं। तो ये देख सकते हो सारे बाबा लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी उत्साह इन बाबा लोगों में, देख सकते हो काफ़ी उत्साह रहता है इन लोगों में। और ये कहते हैं कि मेरे को बहुत जोश होता है जब ये लोग ऐसा कर्तव्य करते हैं तो इनको और इच्छा होती करने की ऐसा। तो ये हमारे भाई लोग फूल फेंकते हुए स्वागत करते हुए देख सकते हो बाबा लोगों का। होटल दीपक की तरफ से क्या बोलते स्वागत किया जा रहा, देख सकते हो सामने होटल दीपक है और उसकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है बाबा लोगों का। ये सारे बाबा लोग पैदल चल के आते हैं इतनी दूर से, इसलिए इनको कहने का मतलब ये कि मेला हर दो तीन महीने में हो तो और ज्यादा अच्छा करेंगे, ये मतलब बहुत उत्साह बढ़ती है इनको। ये देख सकते हो कितनी जोर जोर से मार लेता है, हर कोई नहीं मार सकता भाई इतनी जोर से, पर कह सकते हैं कि अपन पावर ऑफ पावर।